जब इलेक्शन आते हैं हर वक्त वही लोग उन लोगों को वादा तो देते हैं, वो वादे देते थे वी विल फुलफिल योर डिमांड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वही मतलब वादा दिया था कि आप लोगों की शिक्षा की डिमांड जल्दी पूरी, मांग जल्दी पूरी हो जाएगी। अभी तक नहीं हुआ, 30 साल बीत चुका है, अभी तक डिमांड चल रहा है, तो कितने साल रुकेंगे इन फेवर ऑफ अस? वंस द इलेक्शन इज ओवर द टेन टू फॉरगेट अस, दैट इज द मेन इशू। जो ओरिजिनली इंडिजिनस पीपल है उनको तो आगे स्कीम्स वगैरह नहीं देने वाले, नौकरी वगैरह तो वगैरह में कोई हेल्प वगैरह तो करने वाले नहीं है। शिकायत तो सरकार से ही होगी ना, अभी कौन देगा? वी वांट दोस आंसर्स टू बी आंसर्ड, आई मीन दोस क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आदिवासियों की संख्या है बड़ी भारी संख्या में, जो है महिला और पुरुष सभी उपस्थित हुए हैं, सभी आसाम से आए हैं और कुछ मांगों के साथ आए हैं। आरसू जिंदाबाद, वंदे मातरम, हमें न्याय चाहिए, हमें छठी अनुसूची चाहिए, ऐसे तमाम नारे हैं और इस नारों के साथ यहाँ पर जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांगे हैं, आप क्या किस चीज़ के लिए न्याय मांग रहे हैं। सर, हम लोग का सिख शेड्यूल मांग रहा है, सिख शेड्यूल जो हम लोग का कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए और कुछ लैंड राइट के लिए हम लोग मांग रहा है। सिख शेड्यूल क्यों चाहिए, क्या हो गया है? सिख शेड्यूल इसीलिए चाहिए, हम लोग का जो एरिया है, हम लोग का इलीगल इमिग्रेशन है, वो लोग वहाँ बैठ रहा है, इसीलिए हम लोग को सिख शेड्यूल चाहिए। कौन है इलीगल इमिग्रेंट्स? मतलब जो भी हो, बांग्लादेशी हो, जो भी हो, आके हम लोग का वो एरिया में बैठा है, इसीलिए हम लोग को सिख शेड्यूल चाहिए। तो मतलब आप उन सभी को निकाल देना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो बात नहीं है निकाल देना, ये बात नहीं है, लेकिन हम लोग का जो हम लोग का कल्चर के लिए, हम लोग का जो इकोनॉमिकली जो हम लोग ये हो रहा है ना, वो हम लोग को तकलीफ होता है। तो रहने में आपकी जनसंख्या वहाँ पर कितनी है और उनकी जनसंख्या कितनी है? हम लोग का ज़्यादा है, हम लोग का बहुत। उनकी जनसंख्या कितनी है? उन लोग तो इतना नहीं है, लेकिन आके आके तो ज़्यादा हो जाएगा ना। क्यों, तो फिर आपकी भी तो जनसंख्या बढ़ेगी ना। वो तो है। क्या कहेंगे सर, किस बात का न्याय चाहिए, क्या हो गया, किस बात के लिए आपको न्याय चाहिए? हम लोग को सिख शेड्यूल चाहिए, ये बात है हमारा। हम लोग का सिख शेड्यूल में क्या 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 फ़ायदे होंगे, अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं? उनका फ़ायदा लैंड राइट, लैंड राइट चाहिए हम लोग, सिख शेड्यूल होने से लैंड राइट आ जाएगा। किससे आपकी संस्कृति को, आपके कल्चर को किससे खतरा हो रहा है, कौन आपको इफेक्ट कर रहा है? इलीगल जो बाहर बांग्लादेश से हम लोग का रामहासंग रहे तो बांग्लादेश का बॉर्डर है, इसीलिए बांग्लादेश से बहुत मैंने इलीगल बांग्लादेशी आ रहा है, अभी तो आ रहा है, इसीलिए सिख शेड्यूल चाहिए हम लोग को। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही? सरकार तो बताया सिख शेड्यूल होने से है, हम लोग सोचा जो सिख शेड्यूल हो जाएगा उसको बंद हो जाएगा, इसीलिए हम लोग को सिख शेड्यूल चाहिए। क्या बात हो गई है, क्या परेशानी है, किस बात के लिए न्याय चाहिए? सुनिए, परेशानी की बात ये है कि हम स्पेशली ट्राइब है, नहीं तो हम जुगंतर वे हैव बीन लिविंग इन दैट प्लेस फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, बहुत आगे से रह रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक अभी जो वार हो गया बांग्लादेश के साथ, उसके बाद इमिग्रेंट बांग्लादेशी माइग्रेंट्स वो आने लगे, भारत आ गए, उसके बाद टोटली डेमोग्राफी जो है अभी शिफ्ट हो गए, पूरा चेंज हो चुका है। आपको एग्जैक्ट डाटा हम भी यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, आई वोंट बी एबल टू डू दैट, अमूमन बता दीजिए क्या रेशियो भी अभी डायरेक्टली अभी पता है, मतलब अभी हमको याद नहीं आ रहा है, बट हमको थोड़ी देर टाइम थोड़ी वक्त दे देंगे तो हम वो भी बता देंगे। बट बात ये मुद्दा यही है कि उन लोगों के कारण हमारे कल्चरल धरोहर, हमारे कल्चरल आइडेंटिटीज़, पोलिटिकल राइट्स, लैंड राइट्स और डिफरेंट राइट्स वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो सारे खतरे में जा रहे हैं, सारे खतरे में, इसलिए हमको सिख शेड्यूल चाहिए, वही हमारा मेन मुद्दा, वही 4-5 मुद्दा है। समझाइए किस तरीके से आपका पॉलिटिकल राइट, जमीन, सारी चीज़ें खतरे में कैसे जा रही है? समझिए हमारे वो इलाका में देखिए 4-5, सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात किए तो 4 MLA हैं, वहाँ पे जाके आप देखिए चारों में से मैक्सिमम 2 या 3 MLA उनके माइनॉरिटीज का है, माइनॉरिटीज, स्पेशली हमारे वहाँ पे माइग्रेंट जो है वो बांग्लादेशी माइग्रेंट है, सो वो ऑब्वियसली माइग्रेंट माइनॉरिटीज होंगे, तो वो लोग है माइनॉरिटीज है, वो होने से क्या हुआ देखिए, वो
आपको पता है हमारा इलेक्शन सिस्टम कैसा है, हर वक्त ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन वी ओनली वोट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड देट विल सेम दैट वेरी थिंग विल बी इन्फ्लिक्ट आई मीन इम्प्रिंटेड बाय दैट रिप्रेजेंटेटिव एज वेल ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ टेन्योर। उनके टाइम में वो भी तो वही करेंगे, हमको तो हमारे इधर पे आके वो जो ओरिजिनली इंडिजिनस पीपल है उनको तो आके स्कीम्स वगैरह नहीं देने वाले, नौकरी वगैरह तो अगर हमें कोई हेल्प वगैरह तो करने वाले नहीं है। हेल्प मीन्स मतलब आपकी जब संख्या ज्यादा है तो आपके एमएलए एमपीस क्यों नहीं? हमारे संख्या ज्यादा नहीं है, मुद्दा वो है जो हमारे संख्या पहले हमारे संख्या ज्यादा थी, अभी इमिग्रेंट आते आते ऐसे हुए और पता है आप लोगों को उन लोगों के पास कोई फैमिली प्लानिंग वगैरह का सिस्टम कुछ भी नहीं है, राइट। सो एक ही मतलब पेरेंट्स 7-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, राइट। और इस हमारे जो पेरेंट्स इंडिजिनस पीपल वो लोग 2 मैक्स टू मैक्स 3 वो होता है, वैसे वो उस वो ये सब कारण के लिए अभी उन लोगों के पॉपुलेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं। नहीं तो अब एक स्मॉल जगह में एक स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप 4-5 आदमी को छोड़ देंगे, राइट, 20-30 साल के बाद आके वहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर चेक कर लीजिए जिन लोगों के पॉपुलेशन दो, जिन लोगों के बच्चे 2-3 है तो ओबियसली उन लोगों के तो पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे ना, राइट। अभी वहाँ पे आप इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए, राइट्स के पॉलिटिकल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए, आप कल्चरल आइडेंटिटी, आपको कल्चरल आइडेंटिटी को आपके कैसे पोर्ट्रे करके रखना है वो सब में जाएंगे आप वहाँ पे, ऑब्वियसली पॉलिटिकल आप ऑब्वियसली डाउन चाहते हैं कि इन चीज़ों पर रोक लगे, आपकी संस्कृति को बचाया जाए, आपकी जमीन बचे। हाँ जी, हमारा डिमांड यही है, हम नहीं बोल रहे कि उन लोगों को खदाड़ दिया जाए या क्या किया जाए, वो तो हमारे संविधान है, संविधान करेगा, वो तो हमारा काम नहीं। हमारा काम ये है कि हमारे पॉलिटिकल राइट्स, हमारे लैंड राइट्स, हमारे सिविल राइट्स, राइट, हमारे और एम्प्लॉयमेंट सब जिनिस हमारे प्रोटेक्टेड रहे, हाँ, इन फ्यूचर। इसलिए हमको सिक्स शेड्यूल, हम लोग सिक्स शेड्यूल डिमांड कर रहे हैं। सरकारें आप पर ध्यान नहीं देती, वो क्या कहती आती है? सरकारें तो जब इलेक्शन आते हैं हर वक्त वही उन लोगों को वादा तो देते हैं, हर वक्त आके बोलते क्या वादे देते हैं? वो वादे देते थे वी विल फुलफिल योर डिमांड्स, हमारा डिमांड्स क्या है, सिक्स शेड्यूल, हर वक्त ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन दे विल कम इन फ्रंट ऑफ अस एंड दे विल ऑलवेज स्पीक इन फेवर ऑफ अस वंस द इलेक्शन इज ओवर दे टेंड टू फॉरगेट अस, दैट इज द मेन इशू। आपके जो भी एक एमपी विधायक एमएलए जो भी हैं वो क्या आपकी बात मानते हैं, आपके मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं? हाँ, वो तो कर रहे हैं, बट अभी हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जाएंगे ना, वहाँ पे भी तो अगर हमारे बात को मुद्दे को आगे लेने चले जाना है तो क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, वो नहीं हो रहा है ना, बात वो है। तो आपको सीधे किससे, सरकार से शिकायत है? हाँ, किससे शिकायत तो सरकार से ही होगी ना, अभी कौन देगा? हिमंत विश्व शर्मा वहाँ के सीएम है, वह उन तक बात पहुँचाई, आपने कुछ सुना, उन्होंने किच किया आपके लिए? हाँ, उन हिमंत विश्व शर्मा जी की सरकार ने भी बताई थी कि हमारे लिए सोच रहे, वो कर रहे, बट कितने साल हम रोकते रहे, इंतजार करें, बताओ, इट हैज बीन टू लॉन्ग, राइट, आवर डिमांड हैज बीन यू नो गोइंग ऑन सिंस 30 इयर्स, 30 साल बीत चुका है, अभी तक डिमांड चल रहा है, तो कितने साल रुकेंगे हम लोग, वो भी बात है। सेंटर में भी वही, सेंटर से भी वही थे, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी वही, सेंटर की गवर्नमेंट ने भी वही मतलब वादा दिया था कि आप लोगों की सिक्स शेड्यूल की डिमांड जल्दी पूरी, मांग जल्दी पूरी हो जाएगी, अभी तक नहीं हुआ है। आपको सिर्फ वादे किए जाते हैं, उस पर जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जाता। हमारा इशू वही है जिनिस, इसलिए हम आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट इज द ओनली रीजन दैट वी आर प्रोटेस्टिंग हियर। क्या नुकसान आते हैं जनसंख्या बढ़ने से, एमएलए एमपीज उनके ज्यादा हैं, आपके कम होते जा रहे हैं, इससे आपको आने वाले समय में भी काफी सारे नुकसान देखने को मिल सकता है? ऑब्वियसली वो तो आप अब अगर देखिए सीधी तरह से जाइए, अगर हमारा सेंटर का अगर जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा के आप मतलब चीज़ें वगैरह देखिए कि पहले वाले सरकार जो यूपीए की सरकार थी, जब वो लोग कुछ इशू ले आते थे तब डिबेट होता था, राइट, क्योंकि उन लोगों के पास टोटल अगर बहुमत होती थी भी तब भी कभी कभार वो मतलब पास नहीं कर पाते थे बिल, नहीं तो। बट अभी क्या हो रहा है देखिए, अभी जो सरकार चाह रही है, मतलब अगर हम नहीं बोल रहे बुरा कर रही, जो भी चाहती है बिल पास हो जाता है, मतलब वो सिस्टम का सिनेरियो होता है जब कोई बहुमत में रहता है। हमारे बाबा अगर हम लोग बहुमत में ही नहीं रहे तो हमारा कौन सुनेगा, बताओ, बात वो है, इसलिए हमको सिक्स शेड्यूल चाहिए। तो आपकी जनसंख्या कम हो गई, इसमें आपकी कमी है? कमी हम की नहीं है, देखिए जनसंख्या अगर ऐसा बात हो गए तो क्या पता है चले। अब देखिए हम लोग हैं इंडिजिनस पीपल, बहुत सरल सीधे बात, जमीन से रहने वाले आदमी, जंगलों में रहने वाले आदमी, नहीं तो हमारे पास इतना वो सब नहीं है, है ना, नहीं, सिंपल लाइफ जीते। बट अगर इंक्रोचमेंट बाहर से हो गया, पता है इंक्रोचमेंट अगर बाहर से हो गया, अभी आप जाइए यूएसए पे, जो बोलते हैं ना कोकेशन रेस्ट, नहीं तो कोकेशन रेस्ट, वो वाइट सुप्रीमिस्ट बोलते हैं हम लोग, नहीं तो वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं बताओ, सारे दुनिया से टैलेंटेड लोग उधर जा रहे हैं, वो खुद वहाँ के इंडिजिनस लोग वो डिप्राइव हो रहे हैं उन लोगों के राइट्स, उन लोगों के बेसिक इनकम गिर चुका है,
कोई बाहर से आके आपके हक अधिकार पर अपना हक अधिकार जमा जमाने, हाँ, जमाने, जमाने के बाद वहाँ पे भी वो हो रहा है। हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं आपको, हमारे यहाँ तो साल, हमारे यहाँ तो यहाँ यहाँ पे तो सालों से हो रहा है वो चीज़ वगैरह। अगर हमको सरकार इस पर क्यों ध्यान नहीं देती, क्यों उनको आने देती है, दाखिल होने देती है और सारी चीज़ें? हमारा आंसर अभी हो सकता है प्रोबेबल वजह तो जो भी हो सकता है, हम मनगढ़ंत कहानी बना सकते हैं, नहीं तो वो तो सरकार के पास एक क्या वजह है वो तो हमको भी पता नहीं। हम लोग को, हम अभी फिलहाल वही आंसर्स, वी वांट दोस आंसर्स टू बी आंसर्ड, आई मीन दोस क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। तो ये साफ तौर पर आपने सुना, हक अधिकार की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, संस्कृति कल्चर जो है खतरे में जा रहा है, इनकी लैंड खतरे में जा रही है। इस वजह से ये लोग जंतर मंतर पर आकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग को रख रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।